नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज की एक और खास खबर में। उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा स्वच्छता को लेकर दिए गए निर्देशों के क्रम में शनिवार को रामनगर में नगरपालिका प्रशासन द्वारा एक जागरूकता रैली का आयोजन पूरे उल्लास के साथ किया गया। रैली का शुभारंभ नगरपालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम ने करते हुए क्षेत्र के सभी लोगों से स्वच्छता के प्रति जागरूक होने की अपील करते हुए कहा कि लोग कूड़ा खुले में और सड़कों पर न फेंके, साथ ही कूड़े को पालिका द्वारा संचालित वाहनों में ही डाले। इसके अलावा कार्य में लगे पर्यावरण मित्रों को अपना सहयोग प्रदान करें। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि इस अभियान का समापन रविवार को रामनगर स्थित न्यायालय परिसर में किया जाएगा, जहां विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने इस अभियान में भी क्षेत्र के लोगों से भारी संख्या में पहुंचने की अपील की है। आज के इस अभियान में नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा एनसीसी कैडेट्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने पूरे उल्लास के साथ प्रतिभाग किया। इसका मकसद यह है लोगों को जागरूक करना सफाई के प्रति, और हमारा जो कल को 18 तारीख को है, जो हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि आप इसको बढ़िया करके मनाएं, तो कल भी हमारा एक प्रोग्राम रहेगा जजी में, तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं हम सफाई के प्रति कि आप सफाई रखें, कूड़ा हमें ही दें, हमारी गाड़ियों को दें। तो ये सफल बनाने के लिए हमने ये अभियान चलाया है, और हम ये चाहते हैं कि जो हम अपना प्रोग्राम कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब के कहने से, उनकी इज्जत बने, हमारी इज्जत बने, भारत सरकार ये सोचे कि हाँ हमारे उत्तराखंड में भी जस्टिस लोगों ने, जजेज ने ये प्रोग्राम करा है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे चीफ जस्टिस साहब की भी मान रह जाए और हमारी भी मान रह जाए। उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा पूरे उत्तराखंड में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान को लेकर आज शनिवार को रामनगर में भी नगरपालिका द्वारा स्वच्छता अभियान को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई, जिसको नगरपालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो इस यात्रा में स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स के अलावा नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे, तो वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ भी मौजूद रहीं। नगरपालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम ने बताया कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के आदेश के बाद यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर नगरपालिका ने भी पूर्व अपनी भागीदारी की, और उन्होंने सभी क्षेत्र के लोगों से सफाई को लेकर जागरूक रहने के साथ ही नगर पालिका को सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि खुले में कूड़ा ना डालें, नगर पालिका द्वारा संचालित कूड़ा वाहनों में कूड़ों को डालें, और उन्होंने कहा कि कल इस अभियान का समापन रामनगर स्थित न्यायालय परिसर में किया जाएगा, जहां एक वृद्ध कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र के सभी लोगों से कल रविवार को इस कार्यक्रम के समापन के अवसर पर न्यायालय परिसर में भारी संख्या में पहुँचने की अपील करते हुए स्वच्छता अभियान में सहयोग करने की अपील की है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जेजेएन। वहीं दूसरी ओर शनिवार को रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर पार्टी द्वारा चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल में कई कल्याणकारी योजनाएं देश की जनता के हित में शुरू की थी, जिसका जनता ने भारी संख्या में लाभ भी लिया, और सरकार का मकसद था कि योजना का लाभ अंतिम छोर तक के व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार की योजनाओं और कार्य को लेकर देश की जनता खुश है, और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में देश में फिर भाजपा की पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। तो वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार के कार्यों की भी जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कानून बनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। केंद्र सरकार को 9 वर्ष पूरे हुए हैं आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इन 9 वर्षों में जिस प्रकार से सरकार ने काम किया है, समाज के उस अंतिम व्यक्ति जो आज अंतिम पायदान पर बैठा हुआ है, उस तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया है। तो हमारे संगठन ने इन 9 वर्षों में जो काम हुआ है उसका जनसंपर्क के माध्यम से उन कार्यों को नीचे तक ले जाने का काम, समझाने का काम, पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो उसी के तहत ये वार्ता पहले लोकसभा स्तर पर होनी थी, वहाँ हुई है, लेकिन अब विधानसभा स्तर पर भी तय किया गया है, तो इसीलिए विधानसभा स्तर पर भी ये कार्यक्रम और विधानसभा में किए। तो जो हमने काम किए हैं इन 9 वर्षों में, उन कामों का नीचे तक लोगों तक पहुँचाना, और मैं पत्रकार बंधुओं से भी मैंने निवेदन किया कि हम लोग भी अच्छे काम जो किए हैं सरकार ने, तो कोई भी सरकार, उन कामों को नीचे तक पहुंचाने का काम हम लोगों को करना चाहिए। हाँ, जो गलत कर रहे हैं, जो लोग गलत हैं उसको भी होना चाहिए, लेकिन जो काम अच्छे हुए हैं, जो इन 9 वर्षों में हुए हैं, जैसे पानी की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्था है,
उज्ज्वला गैस के माध्यम से, जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रत्येक घर को पानी देने की बात, किसान सम्मान योजना है किसान का की आर्थिक स्थिति को सुधार करने का, तो ऐसी बहुत सी जो योजना थी वो इस 9 वर्षों में हुई हैं। जो मैंने कहा ना कि हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच थी, चिंतन था अंत्योदय का, उस अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए जो हमारा संवैधानिक है, और उस काम को करने का काम किया है तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा महाजनसंपर्क अभियान और केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने को लेकर शनिवार को रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार के 9 साल की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए जनता तक ये पहुंचाने की बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जिस प्रकार कई कल्याणकारी योजनाएँ देश की जनता के लिए लागू की हैं उससे कहीं ना कहीं आज जनता इसका लाभ ले रही है, तो वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ करते हुए प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में भी बखान किया। उन्होंने बताया कि आज केंद्र में 9 साल जो है सरकार को हो गए हैं और 9 साल में सरकार ने देश के हित में काम किए हैं, जनता के हित में काम किए हैं, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि इस बार फिर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में देश में एक बार फिर भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। उन्होंने कहा कि आज पूरे उत्तराखंड में इस प्रकार की प्रेस वार्ताएँ महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से की जा रही हैं और जनता तक ये बात पहुँचाने की बात कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद था कि सरकार की जो भी योजना है उसका लाभ अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को उसका लाभ मिले, जिसको लेकर आज सरकार का मकसद भी पूरा और जनता भी सरकार की योजनाओं का लाभ ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं और सरकार के कार्यकाल को लेकर देश और प्रदेश की जनता पूरी तरह खुश है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जेजेएन न्यूज। तो ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।